बीवर आइलैंड है। गुड, भी वही मैंग्रोव्स है और यहाँ पर बहुत सारे डेंजरस चीजें भी है, देख लो। ये है बाम्बो ब्रिज पर, और एक चीज दिखाता हूँ जिसको देख के बरसा थोड़ा डर गई वो है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो ये है सलीम अली बर्ड सेंचुरी का टिकट काउंटर, और ये जो आप देख रहे हो ये एक उसका पूरा मैप है। तो इसको देख के आप समझ सकते हो क्या क्या चीज़ अंदर है। और ये है वो चराव आइलैंड। चराव आइलैंड बेसिकली रिवर आइलैंड है, तीनों तरफ से रिवर है और एक तरफ से समंदर है। तो इस चराव आइलैंड में ही बर्ड सेंचुरी है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो बोर्ड में लिखा हुआ है, तो दिस इज़ व्हाट। सो और सामने अगर देखोगे ना, मस्त पानी चल रहा है। और वहाँ पर जो देख रहे हो ये बोट है, ये यूज़ किया जाता है। सामने और एक आइलैंड है देवर आइलैंड करके, वहाँ पर चलो चलते हैं, दिखाते हैं टिकट्स कहाँ पर लेना है वो देख के। चलो अभी टिकट लेते हैं। है टिकट फी क्या, कितना? 100 पर पर्सन, लेकिन अभी आपको सिर्फ नेचर वॉकिंग मिलेगा। अभी बोट बंद हो गया है क्या? बोटिंग हमारा बंद है। बंद है क्या? गवर्नमेंट का बंद। और अभी आपको सिर्फ नेचर वॉकिंग मिलेगा, चलने का खाली। हाँ, इस टाइम पे ज्यादातर बर्ड्स कम दिखाई देते हैं। ओके, बेस्ट टाइम सुबह अच्छा है बर्ड्स देखने के लिए। सुबह ही रहेगा क्या अभी? ठीक है, आ गए हैं तो चलते हैं। कार्ड पेमेंट, कार्ड है क्या? ये रहा मेन गेट। दैट इज हाउ इट इज। चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो अभी हम अंदर आ चुके हैं। क्या है इसका? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और आते ही यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, दिखा देता हूँ। मैं इतना जानता नहीं हूँ, बट ये हमारे घर पे मिलता रहता है, ये वाले पक्षी जो अभी दिखा रहा है। सो ऐसा कुछ है। सो इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप देखोगे ना, पूरा मैंग्रोव है। तो अभी थोड़ा सा लो टाइड हो रहा है शायद ना, इसलिए पानी जा रहा है पीछे, इसलिए आप ये देख पा रहे हो। अदरवाइज ये पूरा भरा रहता है। और इस तरफ अगर आओगे तो ये भी वही मैंग्रोव है, और यहाँ पर बहुत सारे डेंजरस चीज़ें भी है, देख लो। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एनाकोंडा की छोटी प्रजाति भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ है। सो आपको फिर धीरे धीरे करके दिखाते हैं। बहुत बहुत बड़ा एरिया है, तो आप जाके आराम से घूम सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज भी हैं जहाँ पर आप बैठ के देख सकते हो। इस तरफ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर ईगल्स वॉच पे है ना, जैसे सी ईगल पीछे जो देख रहे हो। लेकिन बर्ड्स देखना है तो आपको सुबह आना पड़ेगा। हमारा अभी थोड़ा सुबह ढल गया है तो आपको इसलिए ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट फिर भी आप जाके देख सकते हो। इट्स अ गुड प्लेस। मैंग्रोव्स है, आई थिंक अगर आप मलेशिया गए होगे तो आपको मैंग्रोव्स टूर जो मिलता है इक्वलेंट टू दैट, तो मैंग्रोव्स टूर भी आपको मिल जाएगा। और सामने मैं दिखाता हूँ रास्ता कैसा है। सो एक नैरो लेन है पैसेज, उसके दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में मैंग्रोव्स हैं, बीच में जाओगे अच्छा है। खाली ये चीज़ है कि टाइमली अगर आप आए तो बहुत कुछ चीज़ें देख पाओगे, क्योंकि ये अंदर भी आप देखोगे ना, इज ऑल बर्ड सेंचुरी, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल एनिमल्स इनसाइड। ऐसे यहाँ पर सब लिखा हुआ है। आप जाते हैं ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स आपको दिखने मिलेंगे जहाँ पर डिटेल्स लिखे हुए हैं। और आई थिंक ये नेचुरली ग्रोन मैंग्रोव्स होंगे ना सब, आई होप सो। क्योंकि कुछ कुछ जगह में आजकल बिकॉज ऑफ सुनामी एंड ऑल, गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड ग्रोइंग मैंग्रोव्स सी शोर में, तो वो भी है। तो यहाँ पर हाँ, मैंग्रोव्स होने से सुनामी नहीं होगा, बिकॉज जड़ से उसको रोक देते हैं, डजेंट गो इनसाइड। सो यहाँ पर भी देखो, जैसे ये दिखा रहा है, ये मैंग्रोव्स का एक तरीके का ट्री है, इसके ऊपर उन्होंने लिखा, ये रेड कलर का वो उनका आता है, क्या बोलते हैं, दिस फ्लावर प्रोटेक्शन फ्रॉम सुनामी। सो दिस इज एग्जैक्टली, मैं वही चीज़ बोल रहा था, जस्ट आपसे बात कर रहा था ना, मैंग्रोव्स सुनामी से बचने के लिए होता है। तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स उगा रहे हैं, सो विच इज़ गुड, अच्छा है। बट हाँ, ये जब बर्ड सेंचुरी में जब सब आप आ रहे हो ना, जस्ट बी केयरफुल, इसीलिए क्योंकि ये सब इकोलॉजिकल जगह है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी निकल सकता है, ठीक है, बी केयरफुल ऑफ दैट। और बाकी और सच और कुछ प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या दिखता है, ग्रे हेरन, और यहाँ पर मछलियाँ, फिशेस क्या है। सो ये जो पॉइंट है बेसिकली, यहाँ पर मांडवी रिवर है, सो मांडवी रिवर का पानी यहाँ से होते हुए इस पार्ट में आ रहा है। सो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, दिस इज क्रिएटेड बाय दिस मांडवी रिवर। सो ऐसा कुछ है, सो इट्स गुड। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड्स जो यहाँ पर ट्रेडिशनल होता है। ये पूरा अभी लो टाइड होने वाला है सर ना, या फिर हो गया है, राइट, इसलिए सब एरिया में आप अगर देख रहे होगे पानी अभी नीचे जा रहा है। यहाँ पर तो नीचे जा भी चुका है पानी। क्रैप्स हैं क्या वहाँ पर? मड क्रैप्स हैं, दिखाते हैं आज, दिख रहा है, बहुत छोटे हैं ये भी, एक हाँ हाँ, बट कैमरा में देखने लायक नहीं है, मतलब बहुत छोटे हैं। तो ऐसा है, सेम है, मैंग्रोव्स, ईगल्स, सो अच्छा है, आ सकते हो आराम से आप, नीचे बीचे मत जाना, ठीक है, डोंट एक्सप्लोर टू मच, कैरी योर लिटिल बैग, ठीक है, आ जाओ, अब दिखाते हैं। ये सब भी पानी में आता है, राइट, ये भी है, ये भी सामने दिखाता हूँ एक मिनट, ये है वो सब पेड़ के बारे में सब डिटेल्स लिखे हुए हैं। ओए, मुझे लगा सच में है ये। दो मिनट के लिए मुझे भी लगा दो मिनट के लिए वो सच में है, ऐसा नहीं है। ये है 360 डिग्री व्यू। चलो धीरे धीरे चलते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने ये बनाया हुआ है ना, गुड मॉडल्स जैसे है, अच्छा है, गुड। यह है बॉम्बो ब्रिज, दिस इज द बॉम्बो ब्रिज, जहाँ पर आप जाके पूरा मैंग्रोव्स देख सकते हो। ये वाला इस बीच में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, अदरवाइज आप इसके ऊपर चढ़ के जा सकते हो। मैंग्रोव्स का अच्छा, आपको एक अच्छा टूर मिल जाएगा, उन्होंने बता दिया था वैसे स्टार्ट में कि दिस इज समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग। तो ये है कुछ व्यू, कैसे मैंग्रोव्स यूज़ होता है फिल्टर करने के लिए वाटर को पोल्यूटेंट से, फूड चेन के उसी ऊपर है। सो इट्स बेसिकली मैंग्रोव का पूरा डिटेल्स है। एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पर आप बैठ सकते हो, और उसके साथ साथ वहाँ पर, ओह क्या बात है, इट्स गुड, हवा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बोटिंग करने के लिए भी आपको मिलता है। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ से बोटिंग करने जाते हो, अभी बोटिंग बंद है, बट बोटिंग करने के लिए जा सकते हो। और यहाँ पर हर जगह पे देर इज़ माइलस्टोन रिटन, लाइक यहाँ से 600 मीटर में अगर जाओगे तो आपको किस तरीके की चीज़ें दिखने मिलने वाली है, पर आप सामने देखोगे ना, उन्होंने वो पूरा लिख लिया है। और हर पेड़ में, जैसे यहाँ पर भी है, हर पेड़ के सामने किस तरीके का पेड़ है, उसका क्या इकोसिस्टम में उसको हेल्प करता है, उसके और डिटेल्स सब लिखे हुए हैं। सो बहुत ही अच्छा है, आई थिंक रियली गुड, अगर आप आ रहे हो तो एक बार यहाँ आ जाना। और यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं बर्ड सेंचुरी के कुछ डिटेल्स, तो सोचा यहाँ पर भी थोड़ा देख लूँ। आई थिंक पूरा डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर, कौन कौन से बर्ड दिखते हैं, क्या है, उसके पूरे डिटेल्स हैं।
एंड द गुड थिंग इज इट हैज़ अ फैन। सो देखो तो बहुत ही अच्छा है, आप थक गए तो यहाँ पर आराम से आके फैन में बैठ सकते हो। सच में मजाक नहीं है, इसके अंदर फैन मिलना मतलब जन्नत है, रियली गुड। और लाइट भी है, आई थिंक लाइट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, रात को यूज़ करते होंगे शायद लाइट, अभी तो चलने, हाँ ये रात को आप लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स लाइक एन ऑब्जर्वेटरी, आप बैठ सकते हो, सामने बोट आएगा, बोट से आपको जाना है। सो यहाँ पर जैसे बोट जाने के लिए जो जगह है उसके सामने अगर आप जाओगे ना, वहाँ पर भी एक आपको दिखाता हूँ, बोट लगा हुआ है 600 मीटर्स का। जैसे 600 मीटर्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आगे जाओगे आपको मैंग्रोव्स ही ज़्यादा मिलेंगे, साइड से आप देख ही रहे होगे, वहाँ पर पूरा मैंग्रोव्स हैं और काफ़ी अच्छा है, लाइक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बट अकेले अगर आ रहे हो तो बी केयरफुल, अगर दोस्तों के साथ दो तीन लोगों के साथ आ रहे हो देन इट्स गुड, इसमें कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ देख के रहना, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको कुछ स्नैक्स या कुछ ऐसा मिल सकते हैं, ठीक है। जस्ट बी केयरफुल विथ योर स्टेप्स, और जितना हो सके ये जो पेवमेंट है उसके ऊपर स्टेप्स रखना, नीचे मत रखना। सो दे आर मेड बिकॉज ऑफ ए रीज़न, सो ऐसा है। और बाकी यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो ना, मस्त पूरा ऑसम चल रहा है, धीरे धीरे पानी जा रहा है, तो ऐसा कुछ है, ऐसा सब है। और यहाँ पर और एक चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के बरसा थोड़ा डर गई, वो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होल दिखेंगे आपको। सो इस होल में शायद केकड़े रहते हैं, मड क्रैप्स, दैट्स व्हाट वी फील। बट वर्षा को स्नेक से बहुत डर लगता है, सो वो भागी। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर खाजन का फार्मिंग होता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ खाजन, नीचे लिख दूंगा, मुझे अभी तो पता नहीं है ऑनेस्टली, बट उसका वहाँ पर फार्मिंग होता है वो लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ। सो अच्छा है, इट्स गुड, वर्थ ए विजिट। लेकिन मैंग्रोव्स ब्रिज होता तो इट कुड हैव बीन फार बेटर, बट इट्स ओके, चल रहा है। आई थिंक कोविड के बाद सबका वही हाल है, चलते हैं। तो वही हाल है, जितना हो सके पेवमेंट के ऊपर चलना, नीचे नहीं चलना, ठीक है। सब ये रही पीछे बरसा, धीरे धीरे जब से उसको पता चला है यहाँ पर SNAK ही है, सी इज़ गॉन मैड, तो उसकी फटी बड़ी है। कुछ नहीं होगा, आजा आजा, इट्स ओके। बट हाँ, ये सब वाइल्ड लाइफ के जगह पे आओगे तो यू हैव टू एक्सपेक्ट दोज थिंग्स, सो आप बोल नहीं सकते हो कि नहीं होगा, ठीक है। बट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा भी वाइल्ड लाइफ में नहीं हूँ, पास में ही बड़ा सा एक क्या बोलते हैं ये है, ओह जैकल है, देखो सामने, वाह इन लोगों ने ऐसा बना रखा है ना, आपको 2 मिनट में लगेगा सच में कोई खड़ा है। क्या हीरो कैसा है? ऐसा कुछ है तो अच्छा है, इस वर्थ इट ट्राइंग। कहाँ पर? ये नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया फ्लेमिंगो है शायद, मेरे पीछे जो है आई डोंट नो, ये शायद फ्लेमिंगो होगा, फ्लेमिंगोस जैसे लग रहा है। यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेटरी है, काफ़ी जगह है जहाँ पर आप बैठ सकते हो, तो बैड गुड प्लेसेस आई थिंक। यहाँ पर AC भी है, यहाँ पर देखो साइड में दिखाता हूँ, ये वाले जगह जो है यहाँ पर AC भी दिख रहा है, यहाँ पर AC भी है, तो वहाँ पर बैठ सकते हो जाके, देखो क्या है, क्या कुछ पर देखते जाके देखने में पता चलेगा या नहीं। लोग तो बताएंगे नहीं, जस्ट हैव टू गो। यहाँ पर पूरा मैंग्रोव्स का ये है, यहाँ पर क्या बंद है शायद, बंद होगा शायद, एग्जैक्टली एज यूजुअल सोचे थे बंद ही है, बट अच्छा हुआ है। अभी थोड़ा सा पानी चला गया, देखो 10 मिनट में ही कितना पानी चला गया, तो ऐसा कुछ है नीचे मैंग्रोव्स की दुनिया, जहाँ से कंक्रीट ख़त्म होती है वहाँ से पूरा मैंग्रोव्स की दुनिया शुरू हो जाती है। सो ऐसा कुछ है, और दिस इज हाउ इट लुक्स, सो ऐसा है। बाकी ये जो रूट है वहीं पर हम एक जो क्या बोलते हैं ब्रिज जैसा था उसी को लेते हुए फिर वापस जाना है, दैट इज़ हाउ इट इज़। सो ठीक है, अभी और थोड़ा आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलता है तो आपको दिखाता हूँ।
सो फ्रेंड्स, तो अभी हम घूम लिए, दिस इज वेयर वी स्टार्टेड। ये पीछे एंट्रेंस है, यहीं से हम स्टार्ट किए थे और अभी हम लोग घूम लिए। अराउंड आधा घंटा लग जाएगा अच्छे से, अगर घूमोगे, अगर वो बाम्बो ब्रिज ठीक हो गया तो एक से डेढ़ घंटा तक लग जाएगा। ठीक है, दो घंटा पकड़ के आना अगर बाम्बो ब्रिज चल रहा है, नहीं हुए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटे में काम हो जाएगा। सामने आवाज आ रहा है क्योंकि वहां से चाराओ आइलैंड और देवर आइलैंड कुछ है, दो आइलैंड्स हैं, उसके लिए शिप्स चलती हैं, तो इसलिए आवाज आ रहा होगा। सो दैट इज हाउ द थिंग इज, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप गोवा आ रहे हो तो डेफिनेटली वर्थ ए विजिट, आ जाना। हो सके तो सुबह सुबह आना तो आपको और थोड़े बर्ड्स देखने मिलेंगे, हम लोगों को देखने नहीं मिले क्योंकि हम सुबह आए नहीं थे, तो 10 बज गया था करीब, तो ऐसा है। बट वर्थ ए वॉच, वर्थ ए विजिट, सो डेफिनेटली अगर आप हो गोवा में तो जरूर आना। ये है वो बेसिकली जहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर आप जाओगे तो बर्ड सेंचुरी है वहां पर, और यहाँ पर ऐसे शिप्स मिलते हैं जो जाते हैं, आगे जो देख रहे हो ना देवर आइलैंड है, तो देवर आइलैंड के लिए जाते हैं, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो काफी अच्छा है ये, यहाँ से शिप्स निकलती हैं, जैसे ये शिप्स आ रही है तो ये अभी जस्ट आके पहुंचा और सेम शिप्स फिर जाता है, तो ऐसा कुछ है व्यू शिप्स का। बाकी ये रहा सब व्यू, अभी लाइन लगा रहे हैं लोग जाने के लिए, तो ऐसा है कुछ है। वो रहा बर्ड सेंचुरी, तो चलते हैं। देसी फूड क्या देखते हैं, वेज फ्राइड राइस एंड गोभी मंचूरियन ऑर्डर किए हैं। ओके फिर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बर्ड सेंचुरी घूम के जस्ट आ गए और उसी के पास ही एक छोटा सा चाइनीज कॉर्नर मिल गया, जैसे कि आप देखे होंगे एक मिनट के क्लिप में, तो सोचा वहीं से कुछ ऑर्डर कर ले, तो थोड़ा सा फ्राइड राइस और क्या था वो चिली गोभी मंचूरियन थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया था, अभी कहाँ जाके पहुंच के फिर खाओ प्रोसेस में टाइम लग जाता है, तो इसलिए पास में खा लिया, ठीक था, नॉट बैड। आराम से खा के फिर हम लोग, वर्षा अपना चला रही है आइसक्रीम और मेरा मिनट मेड से लेके, देन अभी निकल रहे हैं फिर नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, तो ऐसा कुछ प्लान है। गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ा सा गाड़ी ठंडा कर रहे हैं एसी लगा के, ऑब्वियसली गर्मी है तो टाइम लग रहा है एसी करने में, बट दैट्स हाउ द थिंग। सो होपफुली आप वीडियो पूरा देखे होगे और आपको अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा, अपना गोवा का ट्रिप चल रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, तो देखते रहिएगा। चलो बाय बाय।